महादेव, नमस्कार, प्रणाम। शादियों का सीजन आ गया भाई, लेकिन कोविड भी आ गया है, बहुत से लोग नहीं जा सकते हैं। मुझे भी जाना था, बाहर जाना था एक हफ्ते के लिए, लेकिन क्या करूं, कोविड ऐसा है। अब लालच आ रही है भाई, ये खाते वो खाते शादियों में। तो मैं सोच रहा हूँ कुछ ऐसी रेसिपी आपको बनाऊं कि आप घर में भी बना लें, जाने की जरूरत नहीं है शादी में। भाई कोविड बहुत है, घर में बनाइए मेरी रेसिपी और खाइए। तो मैं लेके आया हूँ मेथी मटर मलाई, रेस्टोरेंट स्टाइल पार्टी वाली मेथी मटर मलाई। कम तेल में बनाऊंगा, मलाई ज्यादा रहेगा, नाम ही है मेथी मटर मलाई। कैसे बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ, पूरी वीडियो देखिएगा, इसमें मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स दिए हुए हैं। वैसे बनाइए, बहुत अच्छी बनेगी। और हाँ, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि मेरी ख्याति बढ़ जाए। भाई अभी तक बहुत साथ दिया आप लोगों ने, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। डैम डिलीशियस भाई संदीप पांडे, ताला लगाता हूँ, चलता हूँ। मेथी लिया है ग्राम में, ये लगभग 150 ग्राम मेथी है। इसे मैंने वॉश करके बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया है। हरे मटर लिया है मैंने, फ्रेश वाले मटर लिया है। इसे मैंने बॉयल किया हुआ है, हल्का सा नमक, थोड़ा सा आधा चम्मच नमक और थोड़ी सी आधी चम्मच चीनी मैंने डाला ताकि इसका कलर मेंटेन रहे। और इसे मैंने बॉयल करके 80% तक कुक किया है। और बॉयल करने के बाद इसे मैंने फ्रिज के ठंडे पानी में बिल्कुल डिप कर दिया है ताकि मटर हमारी फ्रेश रहे। ये दो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। मटर हमारे लगभग 200 से 250, 225 ग्राम है। 1 टीस्पून ऑयल मैंने डाल दिया है। और यहीं पर मैं 4 कलियां लहसुन की डाल दे रहा हूँ। ये हरी मिर्च है, 8 से 10 काजू मैंने डाल दिए यहाँ पे। और एक बड़े साइज का प्याज मैंने लिया है, उसे कट करके डाल दिया। प्याज को आपको बिल्कुल ब्राउन करना है। 2 टमाटर मैंने लिए, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। यहाँ हमारे प्याज बिल्कुल ब्राउन हो गए हैं, इसी में अब हम टमाटर डाल दे रहे हैं। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, तीखा आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक ताकि हमारी टमाटर अच्छे से गल जाए। सबको मिक्स कर दे रहे हैं। मसाले हमारे अच्छे से भुन गए, 3 से 4 मिनट मैंने भून लिया है। इसे अब हम एक प्लेट में निकाल ले रहे हैं और ठंडा होने देंगे। इसका हमें बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बनाना है। बचे हुए तेल में जिसमें मैंने मसाले रोस्ट किए थे, इसी में हम मेथी डाल दे रहे हैं। अगर तेल आपके पास नहीं बचा है तो थोड़ा सा बिल्कुल आप ऑयल डाल दें। और मेथी को बिल्कुल हमें सॉफ्ट होने तक भूनना है, गैस की फ्लेम मीडियम रहेगी। जब तक मेथी हमारी भुन रही है, यहाँ मसाले हमारे ठंडे हो गए हैं, इसमें हम थोड़ा पानी डाल के इसका बारीक पेस्ट बनाना है। बिल्कुल हमें मेथी भुन गई है हमारी, इसे भी अब हम एक अलग प्लेट में निकाल ले रहे हैं। 2 से 3 मिनट तक मैंने इसे भूना है। मैंने घी का यूज़ किया है, घी का यूज़ करें आप, सब्ज़ी बहुत अच्छी बनेगी। 1 चम्मच मैंने 1 टीस्पून मैंने घी डाला है। यहीं पे मैं बड़ी इलायची 1 पीस इसमें डाल दिया। ये गया जीरा 1/2 टीस्पून, मसाले थोड़े तड़क जाए, पेस्ट बनाया था देख रहे हैं। इसे अब हम मिक्स कर दे रहे हैं अच्छे से। यहीं पे मटर मैं ऐड कर रहा हूँ। और जो मेथी थी हमारी, ये गई मेथी, मिक्स कर दे रहे हैं अच्छे से। ढक के 4 से 5 मिनट तक बिल्कुल सिम फ्लेम पे, बिल्कुल गैस की फ्लेम लो करके पकने दे रहे हैं। 4-5 मिनट हो गए, एक बार चेक कर लेते हैं हम। ये देखिए इसमें बॉयल बहुत अच्छा आ गया है। हमें अब इसमें दूध ऐड करना है। ये मैंने 1 कप दूध लिया हुआ है। ऐसे आप दूध डालते हैं तो दूध आपका फट जाता है ग्रेवी में, तो आज मैं आपको एक ट्रिप दे रहा हूँ, उससे आपके दूध नहीं फटेंगे। ये मैंने थोड़ा सा मसाला लिया 1 चम्मच और ये 2 चम्मच। इसे अब हम दूध में घोल लेते हैं अच्छे से। इस तरीके से आप दूध डालेंगे मसाले में तो दूध आपका कभी नहीं फटेगा। ये देखिए मैंने 1 कप दूध लिया है, दूध मैंने डाल दिया और मिक्स कर दे रहे हैं हम अच्छे से। फिर से एक बार इसे ढक के मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक बॉयल आने देते हैं। चेक कर लेते हैं,
ये बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। यहीं पे अब हम कसूरी मेथी थोड़ा सा रब कर रहे हैं और हाफ टी स्पून मैं गरम मसाला पाउडर ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, मिक्स कर ले रहे हैं इसे। अब आती है मेन इंग्रेडिएंट की बारी, ये मैंने लिया हुआ है घर की फ्रेश मलाई, ये 4 टेबलस्पून मलाई है। प्लीज़ आप घर की जो दूध पे मलाई पड़ती है वो यूज़ करें, पैकेट वाले मलाई ना लें, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। मलाई ऐड कर दे रहे हैं, मिक्स कर ले रहे हैं अच्छे से। आप चाहे तो थोड़ी सी हाफ टी स्पून चीनी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ यूज़ नहीं कर रहा हूँ, इससे फ्लेवर आपका बैलेंस हो जाएगा, मेथी का कड़वापन। और ये अच्छे से मिक्स कर दे रहे हैं भाई, मटर का सीज़न चला जाए उससे पहले आप बना लो, बहुत ही टेस्टी लगती है। शादी ब्याह में तो आपको अक्सर मिलेगी, अब आप घर में बना के खाइए। तैयार है शादी ब्याह वाली मेथी मटर मलाई, बहुत ही अच्छी लगती है। मेथी मटर मलाई में तेल भी ज़्यादा यूज़ होता है, मैंने कम तेल में बनाया है, आप घर में बनाओ। हाँ, मलाई मैंने यूज़ किया है ज़्यादा, क्योंकि भाई नाम ही है मेथी मटर मलाई। शादी ब्याह में अगर नहीं जा सकते हो घर में बनाइए। कब बनाइए भाई, मटर का सीजन जा रहा है, जल्दी जल्दी बना लीजिए, तब बेहतर है आपके लिए, सीजन चला जाए उससे पहले बना लीजिए। अच्छी लग रही है, लग रही है तो बिल्कुल, मैं आपको सामने से इसका लुक दिखा रहा हूँ, ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, मैं आपको ये देखिए, रोटी के साथ खाइए, पूड़ी के साथ, पराठे के साथ, हर किसी के साथ अच्छी लगती है। अच्छी लग रही है ना, मुंह में पानी आ रहा है, तो अभी लाइक कर दीजिए। लग रहा है कुछ लोगों ने अपना मोबाइल उठा भी दिया है लाइक करने के लिए, भाई थैंक यू सो मच, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करें।